आज की एक और बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आसाराम ने सीना जोरी दिखाते हुए गिरफ्तारी से ठीक पहले सरयाम राजस्थान सरकार को धमकी दी थी। आसाराम ने गहलोत सरकार को धमकाया था कि अगर उनको परेशान किया गया तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। आसाराम ने यह धमकी इंदौर में 31 अगस्त को दी थी। आपको बता दें, प्रवचन के दौरान ये धमकी दी गई थी सीधे सीधे राजस्थान सरकार को, और चुनावों में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया था आसाराम की ओर से। हालांकि आसाराम पिछले दो दिनों से जोधपुर की जेल में बंद हैं और आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। कल भी सुनवाई हुई थी लेकिन अधूरी रह गई थी और आज माना यही जा रहा है कि फैसला आ जाएगा कि उन्हें आज बेल मिल जाती है या अगले 12 दिनों तक उन्हें जेल के अंदर ही रहना होता है। आपको बता दें कि जो इस वक्त खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक सुनवाई शुरू हो गई है। कल बचाव पक्ष की ओर से अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रख दी गई थी और आज सरकारी पक्ष यानी कि अभियोजन पक्ष अपनी जो बातें हैं वो सामने रख रहा है। सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि क्या आसाराम को बेल मिल जाएगी या फिर अगले 12 दिनों तक, क्योंकि वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, दो दिन काट चुके हैं जेल में, तो 12 दिनों तक क्या जेल के भीतर ही उन्हें रहना होगा। चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में है आसाराम को आज जेल या फिर बेल, इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। माना यही जा रहा है कि 2 बजे के पहले हो सकता है इस पर फैसला भी आ जाए। और वहीं आसाराम के सेवादार शिवा ने कई अहम खुलासे किए हैं। शिवा ने कहा है कि आसाराम अकेले में कई महिलाओं से मुलाकात करते थे और पीड़ित लड़की के जोधपुर आने की खबर भी आसाराम को पहले से ही थी।